तो भाई लोग कैसे हो? तो यार स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में, जिसमें आपका भाई वॉइस ओवर करता है और भाई थर्ड क्लास कमेंट्री। तो भाई पूछो मत यार, आपको खुद सुननी पड़ेगी वो। ठीक है, तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप भी हार्पिक से नहाते हैं? ठीक है, क्या आप भी मेरी तरह हैं? अगर हाँ तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई मैं अकेला बंदा नहीं हूँ जो हार्पिक से ना, तो भाई क्या खुशबू आती है भाई। खैर वो सब छोड़ो भाई लोग, फिलहाल हम नोवो आए हैं और जहाँ मैं उतरने वाला था वहाँ कुछ लॉन्डे ऑलरेडी उतर चुके हैं, तो हमने डायरेक्शन चेंज कर लिया। ठीक है, क्योंकि गन फाइट भैया अभी नहीं चाहिए हमें, तो अब जैसी गनगुन मिलेगी भैया देखते किस साइड रस करना है और रस करते यार। और क्या, 3 मीटर का उधर हम बीच में है। हेलो ब्रो, हेलो। 3 नंबर के साइड, अरे ब्रो 3 नंबर के साइड रश करते हैं। 3 नंबर के साइड सिर्फ 2 बंदे हैं। तो ये वही दो लौंडे होते जो हमारी जगह पे आ जाते हैं ना गन फाइट लेने के लिए, पर हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इन्हें पेल दिया गया है। यहाँ पे पीक करके पेलने की कोशिश कर रहा था पर वो नाकाम रहा, पर मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था यार। तो जैसे मैं सामने से भी लड़ने गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, 1-2 गोली में ही भाई बंदे गिर गए। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं आया ना भाई, यहाँ पे मुझे हल्का सा आधा फुट स्टेप आया था। ठीक है, मैं ऐसे बकवास भी नहीं कर रहा हूँ भैया, कसम से आधा फुट स्टेप, मतलब ठीक से भी नहीं आने दिया भाई ने। और यहाँ पे कोई कैंप कर रहा है तो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद देखते यार नंबर 3 के साथ क्या चल रहा है ना, वहाँ पे बंदे हैं शायद। हाँ है बंदे इधर ही कहीं, किसी के अंदर कुछ रखा है बताए। पक्का भाई, पता है मुझे ना इस चीज़ से भी बहुत डर लगता है, मतलब कसम से फट जाती है मेरी ये सोच के कि कोई बंदा ऐसे बैठा है और फुटस्टेप नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अकेले जाने में भैया ऐसी जगह पे जहाँ पे बंदे उतरे थे और अचानक से गायब हो गए, ठीक है पता ही नहीं कहाँ गए, तो समझ लेना वो साइलेंट कैंपिंग कर रहे हैं कहीं पे रुक रखे, और जैसे आप उनके सामने आओगे ना भाई कसम से तब तक गोलियां चलेंगी जब तक क्या भाई आपका डिब्बा भी नहीं मर जाएगा, डिब्बा भी बोलेगा भैया आप तो छोड़ दे। ठीक है, तो देख लेना यार अगर बंदे आए हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं एक आध फुटस्टेप देके, तो भैया साइलेंट कैंपिंग चल रही है तो प्री फायर देते हुए घुसना अंदर। अब यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे भाई मेरे टीममेट्स पे गोली चल रही है, तो देखता हूँ यार क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। UMP सेपरेट आयरन रॉड साला UMP चलाता है, UMP पे कोई गन हुई चलाने को। तो भैया आज पता नहीं क्या नशीला दिन चल रहा है यार, मतलब पीक एंड फायर काम नहीं आ रहा है। पहले भी ट्राई किया भाई बंदे ठिले नहीं, पर भाई थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ मैं हर बार तो आखिर में आसानी हो जाती है। और जब मैं इस स्क्वाड से लड़ रहा था इन 3 बंदों को जब मैं ठिला रहा था भैया पीछे गोलियां चल पड़ी, ठीक है नदी की साइड, तो वहां पे भी अब देखने जाना पड़ेगा कि भैया क्या सीन है ना, क्योंकि देखो काफी सारे बंदे आए थे, 2-3 स्क्वाड आई थी तो शायद सबसे हम ही लड़ रहे हैं। हाँ लॉल, वो भी 420 का पॉपकॉर्न है। मैसेज आया कि तुम्हें लास्ट पॉपकॉर्न फ्री मिला है, कोड मिला है, वो उधर दो लास्ट पॉपकॉर्न लो अपना। खैर यहाँ पे 2 बंदे थे इन्हें पिला दिया, इस बार पीक खरीदने की कोशिश नहीं की मैंने। अब यहाँ से हम जाते हैं एक जगह पे रस करने, ठीक है, और वहां पे एक बंदा होता है तो पता नहीं ये मेरे टीममेट लोग मार देते उसे, और अब यहाँ पे लूटपाट चल रही होती कि कुछ गलत सीन होता है। एड मनी वाउचर ऐसा मिला मुझे पता ही नहीं। होटल वाउचर भी मिला 500 का, पता है गाड़ी
हेल्थ तो मेरी ऐसी हुई। हाँ अब यहाँ पे भाई चलती गाड़ी से वो हमें बहुत ज़्यादा डैमेज दे जाते हैं, ठीक है। इससे मैं ये समझ जाता हूँ कि भाई अब वो रुकेंगे, ठीक है। देखो जब डैमेज डूमेज पड़ता है ना, नॉक हो गया तो भाई मुझे 100% हो जाता था कि वो रुकेंगे, हम में से कोई एक नॉक होता अगर, पर काफ़ी डैमेज पड़ा था तो उन्हें पता है कि उन्होंने हमें काफ़ी डैमेज कर दिया, तो मुझे लग रहा था वो लोग रुकेंगे, इसलिए मैं फटाफट हील किया, मैं आगे नहीं गया भाग के मारने। क्योंकि देखो अगर मैं आगे भग के जाता ओपन में मारने तो, और अगर वो रुक गए होते तो भैया मौत तो पक्का थी ना। तो अब देखते हैं यार आगे क्या सीन करना पड़ेगा, वो भी रुके हैं हम भी रुके हैं भाई यहीं पे। हाँ गया ये सामने। एक फ्लैंक मार रहा है इधर से, और हाँ वो उधर कार के अगल बगल मेरी साइड से। हाँ तो लेटे हैं सर। मेरा स्मोक है जो मैं अभी बना रहा हूँ। ऑल डेड नहीं हुआ है। जी जी अब ये लोग रुक तो गए भैया, वो तो ठीक था, ठीक है। इन्होंने एक टीममेट हमारा नॉक कर दिया, वो भी ठीक था, पर जैसे ही बंदा हमारा नॉक हुआ था ना, इन्हें तभी गाड़ी से लेके भाई चढ़ जाना चाहिए था अपने अपनी टीम के ऊपर, ठीक है। पर यहाँ पे इन लोगों ने होल्ड करने का डिसाइड किया, और भाई देखो मेरे पे थी फालतू की गोलियाँ, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई गोलियों की, है ना, सप्लाई बहुत है। तो मैंने स्मोक में प्री फायर दिया, ठीक है, एक आध गोलियां लगी और भाई गलती से बंदा नॉक हो गया, ठीक है। तो देखो प्री फायर और ब्लाइंड फायर देने में भाई कभी डरो मत, ठीक है। गोली कम है तब मैं समझता हूँ, स्टार्टिंग का गेम है गोली है नहीं भाई, तब आराम से बचा के चलाओ, ठीक है, क्योंकि खत्म हो गई गोलियां तो दिक्कत हो जाएगी। पर अगर गोली की सप्लाई है, मिड गेम चल रहा है एंड गेम चल रहा है, तो भैया गोली रोको मत, कसम से कुछ फायदा नहीं है वो गोली बचा के। अब यहाँ से हम पुल पार करना चाहते हैं और यहीं पर बहुत गलत सीन होंगे यार, बहुत ज़्यादा गलत। अभी तक तो नहीं हुआ। हुआ 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 अब यहाँ पे भैया हम उतरते हैं और देखते हैं ब्रिज कैंप है, ठीक है, वहां तक सब सही था। उसके बाद क्या होता है भाई, पीछे से बंदे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए कट गया क्योंकि मैं रिकॉर्डर रिसेट करता रहता हूँ, है ना, नहीं तो ऑडियो ग्लिच हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। और तब तक भाई एक बंदा मर जाता है मेरा, तो भाई क्या कर सकते हैं। और पीछे से भी फायरिंग चल रही है अब, और आगे से भी फायरिंग चल रही है अब, तो भाई गलत सीन है, बिल्कुल फंस रखे हम यहाँ पे। वॉल के थ्रू कैसे मार रहा है? भाई ये बॉल के थ्रू मार रहा है। ये देख केस टू, मैं कहूँ ये देख तू। एक ही स्मोक कर तेरे पास आ गया। अब यार ब्रिज में क्या होता है, ये जो कवर होती है ना, ये टूटी फूटी गाड़ियों का, इनमें भैया छेद छाद होते हैं कतई, मतलब कहीं से भी गोली आर पार आ जाती है, ठीक है। तो मेरे टीममेट को लग रहा था कि वो मतलब आर पार मार रहा है, पर ऐसा नहीं था यार, ठीक है। जो भी हुआ था यार, मतलब गलत गलत फहमी हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे वाले बंदे भाई अब पता नहीं कहाँ से बग्गी घुमा के नीचे से कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम अभी भी यहीं पे फंस रखे हैं, सैंडविच हो रखा है, फालतू के स्मोक उस्मोक कर दिया मैंने, क्योंकि भाई क्या करना है यार बचा के, है ना, कर दो स्मोक, दिक्कत कहाँ आ रही है। अब यहाँ पे भैया मेरे रैंडम टीममेट बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ठीक है, वो कूद जाते हैं पानी में, और भाई सबको सब देख पा रहे हैं यार हमें, ठीक है। ब्रिज में स्मोक हो रखा है भाई, कौन नहीं देख पा रहा है, हर जगह से हर डायरेक्शन से देख पा रहे हैं बंदे कि भैया ब्रिज में लौंडे फंसे हुए, मजे ले लो इनके। तो वो भाई कूदते हैं पानी में, है ना, तो दिख जाते हैं यार, स्पॉट हो जाते हैं। एक कार 98 का फटका पड़ता है और भाई सीधा मौत,
ठीक है, मैं बोल रहा था भैया रुक जाओ थोड़ी देर, बूस्ट कर लो, आराम से चलेंगे यार, मतलब इन्हें भी तो जाने दो जोन में, जैसे ये जोन में जाएंगे हम भी निकल लेंगे, ठीक है। पर भाई वो कूद जाते हैं पानी में तो मौत मिलती है यार। अब यहाँ पे मैं गाड़ी निकालने की कोशिश करूंगा क्योंकि वही लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं था इस टाइम तक, ब्रिज पहले ही क्रॉस कर लेते तो शायद बच जाते, बट अब फंस गए तो क्या ही कर सकते हैं ना, सीखने को मिलेगा कुछ नया। पता लॉल, नीचे नीचे से कौन गया, हमारा बंदा गया था क्या? चल चल चल, एक गोली का, एक गोली का है, चल चल चल, मैं संभाल लूंगा, एक गोली का है। अब यहाँ पे मेरा टीममेट बोलता है कि भैया वो 1 HP है, ठीक है, तो मुझे लगता है भैया एक ही बंदा होगा, है ना, हम में से किसी को पता नहीं होता यार कि यहाँ पे 3 लौंडे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेटे हुए हैं भाई, कतई जहर फायरिंग हुई जैसे ही हम आए, पहले कोई दिख नहीं रहा था और जैसे ही हमने पार करने की कोशिश की भैया दे फायर पे फायर, मतलब गलत सीन, गाड़ी भी खत्म हो चुकी है बिल्कुल, है ना, और मैं तो शायद खत्म हो ही चुका हूँ ना, देखो नॉक पड़ा हूँ यहाँ पे, पर अभी मेरा टीममेट जिंदा है, ठीक है, तो अभी कुछ बंदों को ठिला के मरेंगे, ठीक है, मरना यहाँ पे लगभग तय है क्योंकि देखो ना गाड़ी है, ठीक है, और भाई भगते कब तक भगेंगे जोन में यार, सब पहाड़ी के ऊपर भी बंदे खड़े हैं, ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ भैया, इस आस में कि रिवाइव मिल जाएगा, तो देखते हैं यार आगे क्या होता है। स्मोक नहीं है, स्मोक को रिवाइव करने का, हटा मर गया वो। चल चल गाड़ी में, गाड़ी में, अब यार गाड़ी भी तो है, कैसा पहला पाक। अब यहां पे भाई मतलब मैं समझ गया था कि मामला खत्म है भैया, मतलब खल्लास बिल्कुल, यहाँ पे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, ये भाई साहब पता नहीं किधर से पानी से तैर तूर के पीछे से आ जाते हैं और इस कारेल जड़ देते हैं अपने पे, है ना, तो यहाँ पे नॉक हो गया, बस अब सर्वाइवल टाइम ले सकता हूँ यार मैं, तो बैंडेज पे लूँगा मजे से, है ना, और फर्स्ट एड लगाऊंगा, और अभी बंदे पहाड़ी के ऊपर भी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं अभी भग के जा रहे होंगे, आपको दिखेंगे अभी, तो गलत सीन भाई यार, बहुत गलत मरेंगे हम यहाँ पे। फाइव की गोली गिरा सकता है थोड़ी, फाइव जल्दी चल, बैड तू क्यों नहीं भाग रहा, तो भैया कार 98 वालों बंदों को भाई मेरी तरफ से सलाम है, ठीक है, वो जोन में घुसने ही वाले थे पर वो रुक गए एंड टाइम में और भाई हमें फिनिश करके गए, ठीक है, हमारी कहानी यहाँ पे खत्म कर दी, एक कार 98 का शॉट पड़ा, मैं लेट गया भैया, हील दबाने की कोशिश की, साला पेन किलर दब रहा है बार बार, और यहाँ पे मेरा टीममेट पता नहीं अजीब सा ही भागता है, तो इसकी भी दर्दनाक मौत होती है ना, मतलब जोन में घुसने से पहले ही से ठिला दिया जाता है, और मैं यहाँ देख रहा हूँ किल फीड में जोन से भी कुछ बंदे पिल रहे हैं, तो पता नहीं क्या 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 हो रहा था, ठीक है,
तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही मैं ये सीखा यहाँ पे कि भैया ब्रिज क्रॉस करना है ना, अगर कतई इंटेंस है जीतना है आपको तो टाइम से कर लेना, नहीं तो बोट बूट पकड़ के जाना, क्योंकि ऐसे ब्रिज कैंप में भाई दो तरफा फंस गए ना भाई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। या तो दो कार होनी चाहिए और चार बंदे होने चाहिए, खैर हम दो हो गए थे एंड तक, खैर अब क्या ही कर सकते हैं ना। तो देख लेना भाई लोग जी, अगर ब्रिज के क्रॉस वगैरह करना है तो पहले कर लेना टाइम पे, और स्मोक वगैरह रख लेना, ठीक है, ख़त्म हो गए थे एंड तक। खैर यार इस मैच के बाद मैं डिप्रेशन में आ गया है ना, तो यार जाके पीता हूँ सरसों का तेल है ना, कहते मैंने सुना है डिप्रेशन ख़त्म कर देता है वो, तो आप लोग भी पीना यार, मतलब दिक्कत की कोई बात नहीं है, सरसों का तेल पियो भाई, कहते जिंदगी सेट है, डिप्रेशन भैया हैप्पी हो जाएगी लाइफ में, अचानक से खुश हो गया हूँ पता नहीं क्यों, आ रहा हूँ मैं सरसों का तेल। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।